जनपद में बारिश और बाढ़ के बीच डेंगू का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। लगातार डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आपको बता दें कि जनपद में कुल 43 डेंगू के मरीजों की संख्या हो गई है और डेंगू के 3 मरीज भर्ती किए गए हैं, जिसके लिए जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड में 25 बेड की व्यवस्था की गई है। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि लगातार बारिश होने की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया है। जलभराव होने से वहां पर मच्छर उत्पन्न होते हैं, उनके काटने से बीमारियों में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि जिला मलेरिया अधिकारी, जिला प्रशासन, नगर निगम और गांव विकास विभाग में संयुक्त रूप से महाअभियान चलाया जा रहा है। जहां जहां पर मच्छर पाए जा रहे हैं उनको नष्ट किया जा रहा है। इसके अलावा मच्छरों को रोकने के लिए दवा का छिड़काव और फॉगिंग नियमित रूप से किया जा रहा है। डेंगू के मरीजों के उपचार के लिए 10 बेड की जगह 25 बेड कर दी गई है और दिल के मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसके लिए किट की भी व्यवस्था कर ली गई है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी को तेज बुखार आता हो तो तत्काल अपने नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल पर जाकर डॉक्टर से अपना इलाज कराएं। जिला अस्पताल में सभी प्रकार की दवाइयां व जांच निःशुल्क उपलब्ध हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देखिए इधर लगातार एक सप्ताह से जो बारिश हो रही थी इसकी वजह से जगह जगह जलभराव हो गया है और जलभराव जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ पर मच्छरों के पनपने की एक नर्सरी बन गई है। इसकी वजह से मच्छर काफ़ी तीव्र हो गए हैं और उनके काटने की वजह से जो मच्छर जनित बीमारियाँ होती हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम डेंगू की बात करते हैं, आज की तारीख में जनपद गोरखपुर में 43 पेशेंट डेंगू के रिपोर्टेड हैं। हमारी जिला मलेरिया अधिकारी के नेतृत्व में और जिला प्रशासन, नगर निगम और ग्राम विकास विभाग के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से एक महाअभियान चला रखा है। जहाँ जहाँ पर मच्छर पाए जा रहे हैं उनको नष्ट किया जा रहा है और जिनके मकान मालिकों को और जिनके व्यवसायिकों को नोटिस भी दी जा रही है। इसके अलावा मच्छरों को रोकने के लिए जो हमारा सोर्स रिडक्शन जो लार्विसाइडल दवा का छिड़काव होता है वो भी नियमित रूप से किया जा रहा है। फॉगिंग भी लगातार की जा रही है। डेंगू के मरीजों के उपचार के लिए बेड बढ़ा दिए गए हैं। पहले हम लोगों ने जिला अस्पताल में 10 बेड रखे थे, 15 बेड और बढ़ा करके उसे 25 बेड कर दिए हैं। समस्त आवश्यक औषधियाँ एवं जाँच के किटों की व्यवस्था कर ली गई है और डेंगू के मरीज को किसी को भी मरीज को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो इसलिए स्टाफ को सबको ट्रेंड कर दिया गया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं गोरखपुर निवासियों से अनुरोध करूंगा, किसी को अगर बुखार आता है, तेज़ बुखार या बदन में चकत्ते पड़ते हैं या कहीं से रक्त स्राव, बुखार के साथ रक्त स्राव होता है, तो तत्काल आप अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल का संपर्क करें। नीम हकीम लोगों के चक्कर में ना पड़ें। यहाँ पर समुचित चिकित्सा और औषधियाँ उपलब्ध हैं, जांच हैं। अगर किसी भी प्रकार के रक्त अवयव की ज़रूरत पड़ती है तो भी उपलब्ध है।